आइए अब शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 120 अंक चढ़कर 62,547 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक चढ़कर 18,530 के पार क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 148 अंक उछलकर 43,950 के करीब जाकर बंद हुआ। बाजार में आज की बढ़त की बड़ी वजहें क्या रही और कहां पर रही सबसे ज्यादा हलचल, समझते हैं कुशल गुप्ता से। तो बाजारों में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज अच्छी तेजी का मूड माहौल रहा, जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको अच्छी तेजी आती हुई नजर आई, जहां पर 18,500 के पार भी जाते हुए दिखे निफ्टी। और निफ्टी बैंक में आप देखिए तो लगभग 43,900 के ऊपर यहां पर इंट्राडे में ट्रेड हुआ था। जहां तक निफ्टी के गेनर्स का सवाल है, उसमें मेटल स्पेस सबसे ज्यादा फोकस में रहा और यहां पर तो फोकस इसलिए भी बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि चाइना जो है अपनी प्रॉपर्टी मार्केट में हो सकता है कि स्टिमुलस पैकेज ये लाता हुआ दिखे। तो इस जो खबर आती हुई दिख रही थी मार्केट आज के दौरान, उसकी वजह से पूरा का पूरा मेटल इंडेक्स में आज शानदार तेजी होती हुई नजर आई। हिंडाल्को टॉप गेनर था, हीरो मोटोकॉर्प जिस तरह से दमदार मई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े इनके आते हुए दिखे अनुमान से काफी बेहतर थे, तो यहां पर अच्छी तेजी थी। अपोलो हॉस्पिटल्स लगातार तेजी बना हुआ है और अगर आप देखें तो मार्च 2022 के बाद पहली बार फिर से इसने 5,000 का आंकड़ा पार किया आज के दिन में। टाटा स्टील पर भी अच्छी तेजी थी, पूरा का पूरा मेटल पैक जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये फोकस में था। गिरावट कहां थी, अदानी एंटरप्राइजेस, इंफोसिस, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स पर दबाव था। हालांकि जितनी परसेंटेज से गेन्स हुए थे काफी सारे स्टॉक्स में, उसके कंपैरिजन में उतनी गिरावट यहां पर होती हुई नहीं दिखी। कुछ स्टॉक्स इन फोकस में थे जहां पर केडीडीएल, रॉसेल इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया, एचईजी, ये जो दो ग्रेफाइट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहां पर बेहतरीन तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आई। मेटल स्पेस लगातार फोकस में बने हुए हैं। यही नहीं, टॉप गेनर्स में जेके लक्ष्मी सीमेंट, छोटे मझौले शेयरों में यहां पर अच्छी तेजी थी। साथ ही नाइका काफी दिनों के बाद अब फोकस लिस्ट में आता हुआ नजर आ रहा है, 7.5% तक की दमदार तेजी यहां पर भी बनती हुई मिड कैप आईटी कंपनियों में। साइंट का भी नाम आज सुबह से ही हरे निशान में शुमार था और बेहतरीन तेजी यहां पर भी आती हुई दिखी कारोबारी सत्र के एंड होते होते। टॉप लूजर्स में आप देखिए तो ज्यादातर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वहां पर हमें दबाव देखने को मिला, जिसमें गुजरात गैस, महानगर गैस जैसे स्टॉक्स शामिल रहे, तो यहां पर दबाव था। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बाजार की पिक्चर आज के दिन में बनती हुई नजर आई वो काफी अच्छी थी। अब देखना होगा कि सोमवार को जब हम लौटते हैं तो कारोबार किस तरह से शुरुआत होता है।